दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद घंटे के निशान पर क्लिक करें ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के एक कैंपस में आया हुआ हूं और यहां मैं आपको आज घुमाऊंगा विश्वनाथ मंदिर, जो कि BHU कैंपस के अंदर में ही बना हुआ है। और ये जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये BHU का जो विश्वनाथ मंदिर है उसके कैंपस में आ चुका हूं मैं। और ये मंदिर के बाहर का एरिया है जो हरा भरा दिखाई दे रहा है। इसमें एक गार्डन जैसा है, दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में छोटा छोटा गार्डन है जिसमें लोग टूरिस्ट आते हैं, बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। बाकी जो भी आपको वीडियोज़ में लोग दिखाई दे रहे हैं सारे टूरिस्ट हैं या तो फिर BHU कैंपस के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आते हैं घूमने और ये काफ़ी सुंदर जगह है। और ये जो सामने स्टेचू दिखाई दे रहा है, ये मदन मोहन मालवीय जी हैं जिन्होंने BHU यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इनका इतिहास मैं बाद में बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो, इसके लिए स्पेशली मैं कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि BHU यूनिवर्सिटी का कैसे उदय हुआ, कैसे इसको बनाया गया, किसने बनाया। अभी मैं हम बात करेंगे सिर्फ विश्वनाथ मंदिर की। ये विश्वनाथ मंदिर के बाहर का एरिया है जिसमें अच्छा गार्डनिंग आपको दिख रहा है, हरा भरा, छोटे छोटे इसमें स्टेचू जैसे बने हुए हैं। लेफ्ट और साइड में आप जाएंगे तो गैंडा बना हुआ है, राइनोसोर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे विश्वनाथ मंदिर के मेन कैंपस के तरफ। ये सामने द्वारपाल का स्टेचू बना हुआ है। यहाँ से होते हुए मैं अब जो है अंदर जाऊँगा, पास में ही गेट है, ये देख सकते हैं आप गेट जहाँ से कुछ लोग निकल रहे हैं। और ये मैं एंट्री की तरफ जा रहा हूँ, ये मैं आ गया एंट्री पॉइंट पे और यहाँ से मैं एंट्री करूँगा। और ये जो लकड़ी के बल्ली वगैरह दिख रहे हैं ये सब जो है सावन का महीना है इसलिए बैरिकेटिंग लगा हुआ है ताकि लोगों को जो है परेशानी ना हो, एक क्रम से जो है लोग आएँ और जाएँ। और ये सामने जो दिख रहा है ये विश्वनाथ मंदिर है, यही ये सामने जो दिख रहा है ऊँची इमारत के जैसा जो है काफ़ी बड़ा है। और ये आप देख सकते हैं मंदिर के मतलब साइड का जगह है, ये साइड वाली जगह है जहाँ पर सामने जो छोटा सा बिल्डिंग जैसा दिख रहा है मतलब गुंबद के जैसा, वो गोष्ठी भवन है, वहाँ पे स्टूडेंट बैठते हैं। और ये जो है वाटरफॉल है, एक छोटा सा वाटरफॉल जिसमें बच्चे वगैरह इन्जॉय करते हैं, लोग जाते हैं इसमें इन्जॉय करते हैं, पानी छोटा वाटरफॉल की तरह गिरता है थोड़ा थोड़ा। और ये पौंड जैसा है, छोटा सा पौंड। और ये है विश्वनाथ मंदिर, जो वास्तविक BHU का विश्वनाथ मंदिर है वो यही है। काफ़ी बढ़िया आर्किटेक्चर है और ये इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और इसको बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे बिरला इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया है इसलिए इसको एक बिरला मंदिर के तौर पे भी जाना जाता है। हमारे जो उद्योगपति बिरला जी हैं उन्होंने इस तरह के कई मंदिर पूरे भारत में देश में बनवाया हुआ है। जैसे मैं आपको रेणुकूट में बताता हूँ, रेणुकूट में भी एक मंदिर बनवाया गया है, बिरला ने ही बनवाया है। अच्छा, मैं अब आपको विश्वनाथ मंदिर के रात का नज़ारा दिखाता हूँ। ये आप विश्वनाथ मंदिर को रात में देख सकते हैं, इस तरह का वो दिखता है। काफ़ी लाइटिंग अच्छी होती है यहाँ पे जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आप रात में अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं या जैसे भी आप आते हैं, कभी भी बनारस में आप आइए, तो नाइट में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक ये खुला रहता है, 9:30 बजे तक, तब तक आपको ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा, खूबसूरत नज़ारा। और ये BHU लाइटिंग जो है ये BHU मंदिर के आसपास का एरिया है, रात में काफ़ी खूबसूरत लगता है, बहुत ही जगमग जगमग करता है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये मंदिर की लाइटिंग व्यवस्था है, पूरा BHU प्रशासन इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और इस पे टूरिस्ट आते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं इसके आर्किटेक्चर को, देखते हैं इसके बनावट को, देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देख, आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितना खूबसूरत देखने में ये लग रहा है, रंग बिरंग लग रहा है, लाइटिंग कितनी अच्छी है इसकी। वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें।